बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआओं से। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। हमने प्रेजेंट का टेंस कंप्लीट कर लिया है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस कंप्लीट कर लिया है, और अब हम देख रहे हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। उर्दू के फिक्रे के आखिर में देख लेते हैं क्या आता है। उर्दू के फिक्रे के आखिर में आता है रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है। जैसे मैं काम कर रहा था, वो जा रही थी, हम खाना खा रहे थे। ठीक है, फॉर्मूला देख लेते हैं। इंग्लिश का फॉर्मूला बहुत इजी से है। पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब है, इसके वाज वर्ब, इसके हेल्पिंग वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी इसके साथ, और उसके साथ लगेगी आईएनजी की फॉर्म। ठीक है, और प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, बहुत छोटा सा सेंटेंस है, और इजी है समझने में। जब हम इसके सेंटेंसेस करेंगे तब आपको और ज्यादा क्लियरली समझ आएगी कि हम जो है इस फॉर्मूले को कैसे कैसे पुट करेंगे, कैसे कैसे फिक्स करेंगे, तो जो है हमारे सेंटेंसेस बनते जाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस के। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।